करके आज हम बात करेंगे रिसर्च डिजाइन की। तो जैसे कि आपने रिसर्च में पढ़ा कि जो जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हम एक डिजाइन को बनाते हैं। कार्लिंगर जो थे उन्होंने ये बताया था हमें कि जब रिसर्च डिजाइन हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले जो तीन चीजें ध्यान में रखने वाली ये होती हैं कि रिसर्च डिजाइन में हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और कुछ स्ट्रेटजीज को लेते हैं उसको बनाने के लिए। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप एक घर बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं, तो उस मकान को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले उसका एक नक्शा बनाना होता है, एक मैप बनाना होता है कि आपका बेडरूम कहाँ पर होगा, आपका ड्राइंग रूम कहाँ पर होगा, आपका किचन कहाँ पर होगा, आपका मंदिर है वो कहाँ पर होगा। तो आप एक पूरा नक्शा बनाते हैं, एक पूरा मैप बनाते हैं कि आपके जो घर का डिजाइन है वो कैसा होगा। उसी तरीके से जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के लिए भी हमको एक डिजाइन को बनाना होता है, एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। इसको आप एक ब्लूप्रिंट मान सकते हैं, जिसको हम हिंदी में रूपरेखा कहते हैं, कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, हमारी हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, किस तरीके से हमारे वेरिएबल्स होंगे। तो एक पूरा एक खाका, एक प्लान, एक स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं अपने किसी भी रिसर्च को करने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिसर्च डिजाइन कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि रिसर्च डिजाइन के जो पर्पस है वो क्या होते हैं, तो रिसर्च डिजाइन के पर्पस में आप देख रहे हैं जो पहला इसका पर्पस है टू प्रोवाइड करेक्ट आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। अब मैंने आपसे बात करी थी कि हम लोग क्या करते हैं, हम समस्या लेके चलते हैं, हम प्रॉब्लम लेके चलते हैं। तो हमारा जो रिसर्च डिजाइन है हमको इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से वो होना चाहिए कि वो क्या करे, वो करेक्ट आंसर प्रोवाइड करे। हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन है उसका आखिरी में जो आप रिसर्च को पूरा कर लेंगे तो जो आपने अपनी प्रॉब्लम बनाई है, अपना जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाए। इसके अलावा दूसरी चीज जो ये है वो है कि कंट्रोल वेरिएंस, मतलब जो वेरिएंस होते हैं, जो प्रसरण होता है उसको हमको यहाँ पर नियंत्रित करके चलना पड़ता है। तो इसमें जो चीजें होती हैं दो तरीके की होती हैं। एक तो ये होता है कि हम जो हैं, हम लोग कुछ प्रसरण ऐसे होते हैं जो हमारे रिसर्च के लिए अच्छे होते हैं, कुछ वेरिएंस ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं उनको हमको लेकर चलना पड़ता है। लेकिन कुछ वेरिएंस ऐसे होते हैं जो हम, जिनको हम एक्सट्रेनियस वेरिएंस कहते हैं, बहिरंग प्रसरण कहते हैं, तो उनको हमको कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो जब हम उनको कंट्रोल करते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ मेथड्स को यूज करते हैं। जैसे कि हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपने किसी स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को लेना है, तो आप जाकर के सीधे आप स्टूडेंट्स को ऐसे ही नहीं ले लेते, आप पूरा एक सैंपल, आपको जैसे आपको पता है कि आप सैंपल आपको कलेक्ट करना पड़ता है, तो सैंपल आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्लास में गए और आपने बच्चों को ले लिया वहां से, क्योंकि आपका जो रिसर्च है वो किसी, मतलब आपका कोई टॉपिक होता है उससे रिलेटेड आप वर्क कर रहे होते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको किसी स्कूल के बच्चों पर स्टडी करनी है, तो आपको अगर ये लेके चलना है कि आपको सिमिलर आईक्यू वाले बच्चे चाहिए, तो आप पूरे क्लास में जाकर के उनको नहीं लेते, बल्कि आप पर्टिकुलर क्लास में जाकर के देखते हैं कि या क्या हो रहा है कि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आईक्यूज के बच्चे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, जो आईक्यू लेवल आपको चाहिए, मान लीजिए आपको 90 से 100 के बीच का आईक्यू चाहिए अपने रिसर्च के लिए, अपने अपनी रिसर्च को करने के लिए, तो आप उन्हीं बच्चों को वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए आप बहुत सारे प्रोसीजर्स को ले सकते हैं, जैसे कि आप उनके रिजल्ट के बेसिस पर उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। ऐसे ही हर टेस्ट को करने के लिए, हर रिसर्च को करने के लिए एक अलग एज ग्रुप की जरूरत होती है, तो हम ऐसे ही एज, पर्टिकुलर एज को लेके चलते हैं। तो मान लीजिए आप किसी स्कूल में गए तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एज के बच्चे होते हैं, 6 से लेकर 12 तक के डिफरेंट डिफरेंट एज के बच्चे होते हैं, तो आप किसी भी क्लास में जाकर के आप अपने स्टूडेंट्स को वहां से नहीं लेंगे, बल्कि अगर मान लीजिए आपको 13 से 18 साल के बच्चों पर रिसर्च करनी है, तो आप उसी क्लास में जाएंगे, उसी क्लास के बच्चों को, जिस क्लास में 13 से 18 साल के आपको बच्चे मिल जाएं, वहीं पर जाकर के आप अपने सैंपल को कलेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हम जो अपने एक्सट्रेनियस वेरियंट्स होते हैं, हमारे बहिरंग जो प्रसरण होते हैं, उनको हटाने के लिए हम एलिमिनेशन का सहारा लेते हैं। इसके अलावा हम करते हैं मैचिंग। यानी कि जैसा कि
मैंने अभी आपको बताया कि आप मैच करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको 8th से लेकर 12th क्लास के बच्चों पर कोई टेस्ट को करना है, अपना रिसर्च उन बच्चों के ऊपर करना है. अब मैंने आपसे कहा कि आपको सिमिलर आईक्यू के बच्चे चाहिए, तो मान लीजिए अगर 8th के 4 सेक्शन है, 9th के 4 सेक्शन है, तो आप पर्टिकुलर सेक्शन में जा जा करके आप मैचिंग करेंगे. कि मान लीजिए अगर आपको 90 से 100 के बीच के आईक्यू के बच्चे चाहिए, तो आप पहले 8th ए में गए, तो आपने वहां के कुछ 5 से 10 बच्चों को ले लिया, फिर आप 8th बी में गए, फिर ऐसे आप 9th में गए, तो आपने क्या करा, मैचिंग करी. यानी कि जो सेम आईक्यू के सेम एज के बच्चे हैं उनको आपने मैच करा और अपने रिसर्च के लिए उनको ले लिया. तो इस तरीके से जो एक्सट्रीमियस वेरियंस होते हैं, जो हमारे बहिरंग चर होते हैं, उनको हटा करके हम अपने रिसर्च को अच्छा बना सकते हैं. तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा रिसर्च का पर्पस है वो क्या है, टू प्रोवाइड करेक्ट आंसर. कि आप क्या कर रहे हैं कि आप करेक्ट आंसर प्रोवाइड इसमें रिसर्च हमारी करती है, और इसके अलावा क्या है, हम कंट्रोल कर रहे हैं वेरियंस को. इसके अलावा जो हमारा रिसर्च डिजाइन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल. आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की. आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को यूज करते हैं अपने रिसर्च वर्क को करने के लिए. तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो हमारा पहला रिसर्च डिजाइन बनता है वो होता है रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन. Randomized post test only control group design. अब आप यहां पर ये समझ सकते हैं इसमें कि सबसे पहले जब हम रिसर्च डिजाइन को बनाते हैं तो कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को ध्यान में रखने की जरूरत होती है. वो सिंबल्स होते हैं R, X और O. बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल्स को देख करके ही कोई भी रिसर्चर या फिर जो आपका गाइड है या फिर जो भी रिसर्च कर रहा है, वो इस रिसर्च के जो सिंबल्स होते हैं इनको देख करके समझ जाता है कि इस रिसर्च डिजाइन, इस रिसर्च में कौन सा डिजाइन यूज हुआ है, कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज हुआ है. यहाँ पर जो आर है, आर का मतलब होता है रैंडमाइजेशन. से जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो इसमें ये डिजाइन हमको बताता है कि जो हम मतलब अगर आपके जो अगर आर लिखा हुआ है आपके रिसर्च डिजाइन में, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सैंपल कलेक्ट किया है वो रैंडमली किया है, अपनी रैंडम टेक्निक्स को यूज करके अपना सैंपल कलेक्ट किया है. एक्स का मतलब होता है कि आपने उसको जो भी आपका आपका जो उसमें वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में आपने क्या किया है, मैनिपुलेशन किया है. जो एक्स होता है वो आपके वेरिएबल्स के मैनिपुलेशन को दिखाता है. और जो ओ होता है, ओ का मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से है, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ओ ये बताता है कि आपने कितने टेस्ट अपने रिसर्च डिजाइन में यूज किए हैं. तो इसमें आप इसमें जो रिसर्चर होते हैं O1, O2 इस तरीके से इसको शो करते हैं, इससे पता चल जाता है कि कितने टेस्ट आपके रिसर्च डिजाइन में यूज हुए हैं. तो इस तरीके से रिसर्च डिजाइन में कुछ सिंबल्स होते हैं जिनसे हमको पता चलता है कि रिसर्च डिजाइन किस तरीके से बना हुआ है. तो जो हमने अभी बात करी रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन की, तो इसका जो नोटेशन है, इसका जो नोटेशन होता है वो होता है RXO और RO. ये इसका डिजाइन है. अगर ये डिजाइन बना है तो इसका मतलब है कि वो कौन सा रिसर्च डिजाइन है, वो रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है. जैसा कि अभी आप हम जब रिसर्च करते हैं तो हम दो ग्रुप्स लेते हैं, एक हम लेते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा हम लेते हैं कंट्रोल ग्रुप. मान लीजिए हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल. ठीक है, तो
तो मान लीजिए जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जो उसका नोटेशन है वो है RXO, यानी कि जो उसमें पार्टिसिपेंट हैं वो हमने कैसे सिलेक्ट किए हैं, वो हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, हमने रैंडमाइजेशन का उसमें यूज किया है। इसके अलावा हमने वहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनमें मैनिपुलेशन किया है। ये एक्स बता रहा है कि हमने वो जो वेरिएबल्स वहाँ पर हैं, हमारे जो चर हैं, उनमें क्या किया है, मैनिपुलेशन किया है। और वो ये बता रहा है कि हमने कितने वहाँ कितने मतलब किस टेक्निक से हमने वहाँ पर उस वहाँ पर टेक्स्ट मतलब टेस्ट वहाँ पर यूज़ किए हैं। जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सिर्फ आर और ओ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हमने रैंडमली तो सिलेक्ट किया है, इसके अलावा ओ जो है वो ऑब्जर्वेशन या टेस्ट को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स जो है मिसिंग है। तो ये एक्स मतलब यानी कि हमने यहाँ पर जो हमारे चर थे, जो हमारे वेरिएबल्स थे, उनमें हमने यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं किया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने दो ग्रुप लिए, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, आपने 10-10 पार्टिसिपेंट्स दोनों ग्रुप में रखे हैं, ठीक है, आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिए दोनों ग्रुप्स में पार्टिसिपेंट्स को, और आपने आपको ये भी पता है कि आपको आपको कौन सा उनमें टेस्ट करना है। मान लीजिए मैं ये अगर आपसे ये कहूँ कि आपने किसी स्कूल में जाकर के जो कुछ बच्चे हैं उनके रिटेंशन का मतलब उनकी लर्निंग का उनके रिटेंशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका आपने अध्ययन करना है। तो मान लीजिए आपने रैंडमली 10 बच्चे अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रख लिए, 10 बच्चे आपने अपने कंट्रोल ग्रुप में रख लिए। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बच्चे थे, आपने वहां पर ये जो आपको एक्स है ये दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने जब उनको टास्क दिया तो टास्क देने के साथ साथ उनको पनिशमेंट दी, ठीक है, पनिशमेंट दी, और उसके बाद ये जो है ये तो वो टास्क है जो आपने उनको दिया है। इसके अलावा जो कंट्रोल ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप में अभी आपने 10 पार्टिसिपेंट्स लिए थे, उनको आपने रैंडमली सेलेक्ट किया था लेकिन आपने उनको पनिशमेंट नहीं दी, और ये जो ओ है ये टास्क को ही दिखा रहा है। तो आपने लास्ट में देखा कि जो पनिशमेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ा उनकी लर्निंग पर, उनके रिटेंशन पर। तो इस तरीके से जो ये रिसर्च डिजाइन है ये बनाया जाता है। तो इसका जो नोटेशन होता है वो RXO और RO होता है। नोटेशन जैसे आप म्यूजिक में देखते हैं कि कोई भी म्यूजिशियन होता है उसके आगे कुछ नोटेशंस रखे होते हैं, उन नोटेशंस को देखकर कि वो समझ जाता है कि उसको कैसे उस म्यूजिक को प्ले करना है। उसी तरीके से जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में भी हम नोटेशंस को देखकर के समझ जाते हैं कि क्या उस रिसर्च डिजाइन में है या उस रिसर्च डिजाइन को कैसे बनाया गया है। इसके बाद जो अगला रिसर्च डिजाइन आता है वो आता है रैंडोमाइज्ड पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, आप इसमें मैच देख रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब बात करी थी, जब हम वेरिएंस को हम लोग देख रहे थे कि हम लोग जो एक्सट्रेनियस वेरिएंस है उनको अपने उसमें से हटा देते हैं, अपने रिसर्च में से हटा देते हैं, तो वहां पर आपने मैचिंग की बात सुनी थी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मैच। तो जो इसका जो नोटेशन होता है वो होता है RMXO RMO, ये इसका नोटेशन है। अब यहां पर मैच का मतलब ये है कि जो आपने अपने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रैंडमली सिलेक्ट किया, आपने मैचिंग टेक्निक का यूज किया, आपने अपनी जो आपके वेरिएबल्स हैं उनमें आपने मैनिपुलेशन किया है, और जो ये ओ है ये टास्क को दिखा रहा है। इसके अलावा जो आपका कंट्रोल ग्रुप था वहां पर भी आपने अपने पार्टिसिपेंट्स जो थे उनको रैंडमली सिलेक्ट किया, आपने मैचिंग टेक्निक का यूज किया, यहाँ पर आपने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, और जो ओ है वो टेस्टिंग को दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो ये ग्रुप होता है, जो ये डिजाइन होता है, इसमें आप किस चीज का यूज करते हैं, आप मैचिंग टेक्निक का यूज करते हैं। जब भी आप अपने सैंपल को कलेक्ट करते हैं आप रैंडम टेक्निक तो यूज कर ही रहे हैं साथ में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप मैचिंग का यूज कर रहे हैं, आप अपने जो सैंपल है उसको मैच कर करके ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये दो डिजाइन होते हैं और इसके ऐसे नोटेशन होते हैं। इसके बाद बात आती है फैक्टोरियल डिजाइन की। रिसर्च में बहुत बार फैक्टोरियल डिजाइन का यूज किया जाता है और ये थोड़ा सा टफ माना जाता है रिसर्च में फैक्टोरियल डिजाइन। तो अब हम बात करेंगे फैक्टोरियल डिजाइन की। फैक्टोरियल डिजाइन जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है,
हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फैक्टर की, फैक्टर का मतलब कारक, तो यहाँ पर फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाता है, कारकों पर ध्यान दिया जाता है। फैक्टोरियल डिजाइन दो तरीके के इफेक्ट्स पे काम करता है, पहला इंडिविजुअल और दूसरा इंटरैक्टिव, और दूसरा इंटरैक्टिव। दो तरीके के इफेक्ट्स पे काम करता है, यानी कि किसी भी फैक्टर का आप इंडिविजुअल इफेक्ट देखते हैं और इसके अलावा उसका जो अदर फैक्टर्स हैं उनके सर इंटरैक्टिव इफेक्ट इसमें देखा जाता है। तो जो इसके रिसर्च डिजाइन बनते हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका जो रिसर्च डिजाइन बनता है 2x2 रिसर्च डिजाइन, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो होते हैं दो फैक्टर्स होते हैं, इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, आपके पास दो फैक्टर्स हैं, ठीक। और इसका जो अगर आप इसको इंटू करेंगे तो इसको आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपके पास दो फैक्टर हैं ए और बी, ठीक है, और ए के मान लीजिए अगर ये ए है और ये बी है तो ए के दो पार्ट्स और बी के दो पार्ट्स, A1, A2, B1 और B2। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो 4 इसका जो फैक्टर्स हैं, इसमें 4 फैक्टर्स बनते हैं। तो इसका जो इसकी जो सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं, इसका जो डिजाइन है वो कैसे बनता है, अगर हम इसमें बात करें तो जो 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन है ये आपके पास, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास दो फैक्टर्स होते हैं ए और बी, मान लीजिए आपके पास दो फैक्टर हैं तो ए का A1 और A2, इसके अलावा बी का B1 और B2। अगर आप देखेंगे तो आपको 1, 2, 3, 4 आपके पास फैक्टर मिल गए। तो आपने ये फैक्टर्स का इसमें आप इंडिविजुअल स्टडी भी कर सकते हैं, और इसके बाद आप, हमने कहा था इंटरैक्टिव स्टडी हम करते हैं, इंटरैक्टिव इफेक्ट हम देखते हैं। तो A1 B1, मतलब A1 के संग B1 का यहाँ पर आप इंटरेक्शन देखते हैं, यहाँ पर A2 के साथ B1 का इंटरेक्शन देखते हैं, यहाँ पर A1 के साथ B2 का इंटरेक्शन देखते हैं, और यहाँ पर A2 के साथ B2 का इंटरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर्स को आप इंडिविजुअली भी देख सकते हैं और उनका जो इंटरेक्टिव इफेक्ट है वो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फैक्टोरियल डिजाइन बनता है। इसके बाद अभी हमने बात करी 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन की, तो जो अगला इसमें डिजाइन बनता है 2x2 2x3, यानी कि अगर आप देखेंगे तो A1 के आपके पास दो पार्ट्स होंगे, A2 के दो और A3 के तीन, मान लीजिए A है A1 A2 B1 B2, और जो C है C के इसमें तीन लेवल्स होते हैं C1 C2 और C3। तो जो इसका डिजाइन बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, मान लीजिए अगर आपके पास A है और आपने A के दो फैक्टर्स लिए A1 और A2, इसके बाद आपके पास C के तीन फैक्टर्स हैं C1 C2 C3 C1 का B1 B2 C2 का B1 B2 और C3 का B1 B2। इस तरीके से 12 इसमें सेल्स बनते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, ये 12 सेल्स आपके पास बन गए। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी टोटल 12 आता है। तो आप इसका इंटरेक्शन देख सकते हैं हर फैक्टर का, हर फैक्टर के संग A1 का B1 B2 C1 के साथ, A2 का B1 B2 C1 के साथ, इसी तरीके से A1 का B1 B2 C2 के साथ, इस तरीके से हर सेल में हर फैक्टर्स का दूसरे फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से फैक्टोरियल डिजाइन बनता है। ये दो एग्जांपल थे, इस तरीके से आप और भी इसमें फैक्टर्स ले सकते हैं फैक्टोरियल।